पाकिस्तान और चीन के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी आंखें दिखा रहा है। भारत से अब तक दोस्ती निभाता आया नेपाल अब धोखा दे रहा है। दरअसल नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने भारत के तीन इलाके लिपुलेख, लिम्पिया धुरा और कालापानी को शामिल किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की तरफ से जारी किया गया नक्शा नया विवाद खड़ा करता है। ये नक्शा सवाल उठाता है कि आखिर नेपाल ने ऐसा क्यों किया? ये नेपाल का ही कारनामा है या किसी के कहने पर नेपाल ने ऐसा कदम उठाया है? क्या इसके पीछे चीन की साजिश है या उसका दिमाग काम कर रहा है? विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रैगन ही है जो नेपाल से ये सब कुछ करवा रहा है। नेपाल की तरफ से यह नक्शा भारत के उस फैसले के 10 दिन बाद सामने आया है, जिसमें भारत ने लिपुलेख में सड़क का निर्माण किया था। 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसके बाद से नेपाल में विरोध प्रदर्शन भी होने लगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा था कि वो 1 इंच जमीन भारत को नहीं देंगे। नेपाल सरकार के एक मंत्री ने भी कहा है कि सरकार भारत की तरफ से हो रहे अतिक्रमण को लंबे वक्त से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर भारतीय रक्षा मंत्री ने लिपुलेख में नई सड़क का उद्घाटन कर दिया। हमें लग रहा था कि भारत हमारी वार्ता की मांग को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन जब आर्मी चीफ ने विवादित बयान दिया तो हम घबरा गए। आखिरकार हमने नया नक्शा जारी करने का फैसला किया। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे ने चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि लिपुलेख पर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। नेपाल के इस कदम के पीछे चीन का हाथ होने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि चीन काफी समय से नेपाल को अपने शिकंजे में करने का प्रयास कर रहा है। वो भारत के खिलाफ भड़काकर उसको अपने साथ मिलाना चाहता है। इसकी कवायद उसने साल 2016-17 से उसी वक्त शुरू कर दी थी जब नेपाल में प्रचंड सरकार बनी थी। प्रचंड सरकार चीन समर्थक थी। इसके बाद से ही नेपाल का रुझान चीन की तरफ बढ़ा था। इसके बाद नेपाल पर अपना शिकंजा कसने के लिए नेपाल को चीन ने आर्थिक मदद भी दी थी। आपको बता दें कि चीन ने पहले से ही भारत के अक्साई चीन पर अवैध तरह से कब्जा कर रखा है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्से पर चीन अपना हक बताता रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना हिस्सा बताता आया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर होने वाले निर्माण पर कई बार चीन आपत्ति जाहिर कर चुका है। कुछ दिन पहले ही चीन के सैनिकों की उत्तराखंड सीमा पर भारतीय सैनिकों से हाथापाई भी हुई थी। भारत के साथ डोकलाम को लेकर भी वो काफी मुखर हो चुका है। यहाँ पर भारत ने उसको जबरदस्त शिकस्त दी है। इसके बाद वो नेपाल को अपने जाल में फंसाकर भारत को रणनीतिक तौर पर कमजोर करना चाहता है, लेकिन ड्रैगन की ये चाल कभी पूरी नहीं होगी। हिंदुस्तान उसको कड़ा जवाब देगा।